बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद करने हैं तुसी ठीक ठाक हो। बदे अजा व्लॉग करने शुरू, व्लॉग बहुत खास और बहुत खास भी कह लें आप, हो सकता है नहीं भी हो सकता, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हम बना रहे हैं जी आज मैक्रोनी, शान लफ्जा च कह रहे हो तो पास्ते ही बना लगे हैं, ठीक है। मकरोनी तो जो हाई क्लास मील लोग ने ना वो कहते हैं, अज क्या बनाई मकरोनी, हम पास्ता बनाने लगे हैं। तो जी पास्ते के लिए जो जो मुझे चाहिए, मैं जो है ना पास में काट वाट के पास रख लेती हूँ, सारा मसाला जहाँ तैयार करती हूँ, तब तक मैंने इसको ऊपर उबलने के लिए रखा है। ये कम से कम भी आप लोगों को भी पता होगा, ये 8 से 10 मिनट लेता है गलने में। तो जैसे ही पानी गर्म हो जाता है तो इसको डाल देते हैं, तो 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे साथ में। तो बस इसको डन करके नीचे उतारते हैं और फिर करते हैं अपनी रेसिपी का आगाज़। मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, आप लोग जैसे बनाते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हर एक इंसान का अपना अपना तरीका होता है। तो लेकिन मैं जैसे तरीके से बनाती हूँ बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनता है, आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर पानी आपने जब भी लेना है ना देचकी में, थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, खुले बर्तन में बनाएंगे तो ये निखरा निखरा और प्याला बनेगा, तो इसलिए डाल देते हैं इसको। तो जी यहाँ पे ये देखें पास्ता मेरा बिल्कुल डन हो गया था, इसको उतार लिया एक टोकरी में। इसके ऊपर मैंने ठंडा पानी डाल दिया था कि कुकिंग प्रोसेस इसका वहीं पे रुक जाए। तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास चिकन क्यूब्स में कटे हुए आलू हैं और क्यूब में ही कटी हुई गाजरें हैं। मैं बस ये तीन चीज़ें डाल के बना रही हूँ। शिमला मिर्च बंद गोभी मेरे बच्चे नहीं खुश होकर खाते, मैंने उसको लैदा से ऐसे ही लैदा कर दिया, स्किप कर दिया उसको। तो चले आए करते हैं रेसिपी बनाना स्टार्ट। तो जी फाइनली मैंने एक छोटा सा मीडियम साइज़ का प्याज काट लिया है, इसके अंदर डाल देते हैं 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल, क्योंकि पास्ते में इतना ही जाता है तो इतना ही डलेगा। तो अब करते हैं इसकी मिक्सिंग। ये जब अच्छा सा गोल्डन हो जाएगा तो हम चिकन की करेंगे इसके अंदर भुनाई। मेरा ख्याल है कि चिकन की स्मेल दूर करने के लिए प्याज और लहसुन लाजमन इस चीज़ में डालना चाहिए, क्योंकि इसमें दूसरे कोई भी मसाला जात नहीं जाता, ना सब्ज़ी इलायची ना दालचीनी कुछ भी ऐसा नहीं डलता है, इसलिए मैंने ये डाला है। ये जैसे ही हो जाता है तो यहाँ पर मैं, आपको पता ही है मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि लहसुन हम फ्रेश कूटते हैं, लहसुन के बस इतने से जवे जाएंगे इसके अंदर, 7 से 8 जवे हैं लहसुन के, तो ये कूट लेते हैं। यहाँ पे जी डाल देते हैं चिकन, या आपने जैसे ही इसमें लहसुन डालना है तो फिर देखिएगा आप चिकन का पानी जो है ना, चिकन पानी छोड़ेगा। ये देखें यहाँ पर फिर लहसुन का पेस्ट डाल दिया, अब हम करेंगे इसकी 3 से 4 मिनट बुनाई, फिर इसको कवर कर दें, क्योंकि ये तो पानी इसमें हल्का हल्का आप छोड़ना है चिकन में, तो हम इसको कर देते हैं कवर जी। अब हम डाल देते हैं अपने प्यारे प्यारे आलू, ये भी कर दें साथ साथ, आप डालते रहिए जिस चीज़ की ज़रूरत है सब स्टेप आप डाल कर कवर करते रहे, क्योंकि ये हमने उबाले नहीं है आज, ये दम के अंदर ही बनेंगे। अब हम 2 से 3 मिनट पहले इनको फ्राई कर देते हैं। फिर गाजर तो जल्दी हो जाती है, तो उसको थोड़े से इसके 3 से 4 मिनट बाद ऐड किया जाएगी। और यहाँ पे आपने अब गाजर ऐड कर देने हैं। ये देखिए हर चीज़ जो है ना एक ही लेवल की मैंने काटी है, चिकन के भी वैसे ही पीस किए थे और गाजर और आलू के भी वैसे ही पीस हैं। यहाँ पे जी उठाते हैं दम और माशाल्लाह जी माशाल्लाह हमारे आलू भी गल गए हैं और गाजर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं जैसे चाहिए थी। तो अब हम डालते हैं इसमें सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस,
दो टेबलस्पून इसमें हमने डाल दिया जी सिरका, तीन टेबलस्पून ये डाल देंगे। आप सोया सॉस अगर आपने नमक डाला है तो फिर आप कम ही यूज़ कीजिएगा, अगर नहीं तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। ये तीन ही टेबल स्पून ये है, और इसी के साथ मैं डालूँगी यहाँ पे टमाटर एक अदद और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च काट के रखी थी ये डालूँगी। अगर आप टमाटर ऐड करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो आपने फ़ौरन से केचप जब आप पास्ता वगैरह डालते हैं तो दम लगाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे फिर केचप डालनी पड़ेगी। केचप डालनी है तो ठीक है, जो मर्ज़ी से खाते हैं, और जिनको नहीं पसंद वो जब आप पास्ता डाल देंगे ना तो 1 से 2 टेबल स्पून चीनी डालते हैं। तो अभी मैंने इसके अंदर काली मिर्च भी ऐड करनी है, फाइनल लुक तो काली मिर्च से इसके आने वाली है, तो 1 चम्मच भर के काली मिर्च डालते हैं। यहाँ पर काली मिर्च को भी कर लेते हैं जी, 1-2 मिनट इसकी बनाई। अब डाल देते हैं पास्ता। यहाँ पर पास्ता बन गया, परेशानी ना, आप 1-2 दफ़ा इसको हिलाएंगे, टोकरी में पड़ा पड़ा इकट्ठा हो गया था, यहाँ जुड़ गया था साथ में, 1-2 चम्मच हिलाने से ये सब कुछ हल हो जाएगा। इसको आपने मिक्स करके 1-2-3 मिनट जो है ना आपने दम रखना, फिर इसकी फाइनल लुक की तरफ चलेंगे। ये देखें, तब आपको 7 चिपका लग रहा था, अभी मैंने 1-2 मिनट इसको चलाया तो बस ये देखें निकल गया, तो अब मैंने इसको कर लिया अच्छे से मिक्स। अब इसको कर देते हैं कवर, और अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बेस्ट हैं। ये मैंने आपको सिर्फ 2 से 2.5 कप मक्रोनी की जो है ना रेसिपी दी, आप मेरी तरह बनाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी परफेक्ट बनेगी। तो इसको कर दिया जी कवर, और लगा देते हैं फ्लेम को, कर देते हैं बिल्कुल लो। चलें इसको कर दिया कवर, अब 5 मिनट तक इसका वेट करते हैं, चीज़ां आपस रच बच जान, एक दूसरे नू कोल मिल जान, एक दूसरे का जायका फाड़ लैन, तो फिर इन्होंने ला लेने थले। हजे इन कर दिता कवर, तो हम जो बर्तन परचे ने इन्होंने को उन्होंने हाथ शत मार लिए, फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो जी फाइनली टाइम आ गया फाइनल लुक का, तो ये देखें माशाल्लाह जी, माशाल्लाह इसका कवर हटाया है, बापे उड उड के खुशबुएं इसकी बाहर आ रही हैं। तो चलें करते हैं इसको डिश आउट, ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी निखरी निखरी बनी है, मैं तो दिल का है अभी से बस प्लेट में डाल के खाना शुरू कर दूँ, लेकिन अभी बच्चों का वेट करूँगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह बन के तैयार हो गई है, ये है इसकी फाइनल लुक। अगर आप केचप डाल के खाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर ऐसे खाते हैं तो उससे भी वेल एंड गुड है, क्योंकि मुझे केचप के अलावा पसंद है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, मेरे घर की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी करना, और जो मेरे बहन भाई देश परदेश से देखते हैं उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आपको और मुझे अपने ही ज़ुमान में रखें, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करो वीडियो पे, अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के, हौसला अफजाई होती है कि हाँ हमने वीडियो बनानी है, हमारे बहन भाई हमसे जो है ना प्यार का इजहार हो, ये आपका प्यार का इजहार होता है लाइक और कमेंट जो आप लोग करते हैं, तो इससे पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को कितना शेयर करते हैं और कितना वीडियो को प्यार दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।